अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ गुरु। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट काइनेमैटिक्स, एंड यू नो दैट वी हैव टू बेसिक ग्राफ्स ऑफ काइनेमैटिक्स। द फर्स्ट वन इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड द सेकंड वन इज द स्पीड टाइम ग्राफ। सो वी विल टॉक अबाउट द ग्राफ कन्वर्जन इन दिस वीडियो। और एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड काइनेमैटिक्स, हमने क्लास में ग्रेड 10 की क्लासेस में काइनेमैटिक्स स्टार्ट कर दिया है और बेसिक्स जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया काइनेमैटिक्स का। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस और हम पास पेपर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर रहे हैं क्लासेस में। और एज फार एज ग्रेड 11 इज कंसर्न, तो उनके लिए काइनेमैटिक्स का रिवीजन हो रहा है और हो चुका है और थोड़ा सा रह गया है। इसीलिए ये वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ ताकि दोनों ग्रेड्स के लिए जो है ना ये हेल्पफुल हो जाए और स्टूडेंट्स अपनी सहूलत के हिसाब से जो है ना इस वीडियो को देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। ग्रेड 11 के लिए रिवीजन हो जाएगा और ग्रेड 10 के लिए जो है वो नई चीज़ है, तो वो ज़्यादा अच्छा उनको समझ में आ जाएगा थ्रू वीडियो। इंशाल्लाह क्लास में भी इसको डिस्कस करूँगा इन कॉन्सेप्ट्स को, और आपके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि कोई एबसेंट हो जाए, कोई पॉइंट मिस हो जाए, तो आप जो है वो यहाँ से उसको कवर कर लो। एंड आई विल ट्राई टू मेक सम वीडियोज़ ऑन द पास पेपर क्वेश्चन एज वेल। जो वर्कशीट आपको दी है काइनेमैटिक्स की, उसकी भी मैं वीडियोज़ बना लूँ इंशाल्लाह सोच रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस पे मैं वीडियोस बना लूँगा, तो एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख लेना। आई नो थोड़ा सा रशिंग चल रही है, आपको पता है ये एंड का टाइम थोड़ा टफ होता है, आपके मिड ईयर एग्जाम्स करीब हैं, सिलेबस जो है हर टीचर को कम्प्लीट करवाना है, रिविजन भी हो रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो मुझे जो है लाजमी बताना ताकि मैं वीडियो के थ्रू जो है तुम लोग की हेल्प कर सकूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो में देखो काइनेमैटिक्स क्या बेसिक्स हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आई विल नॉट टॉक अबाउट काइनेमैटिक्स। जल्दी से ग्राफ्स पे चलते हैं। द टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है पहला और दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ है। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस जो हमें होता है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, इस पर हमेशा डिस्टेंस आता है, और जो एक्स एक्सिस होता है उसमें हमेशा हमारे पास टाइम आता है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, वाई एक्सिस पे स्पीड आती है और जो एक्स एक्सिस होता है हमारे पास उसमें हमारे पास टाइम आता है, ठीक है। तो टाइम दोनों जगह पे जो है ना वो हमारा एक्स एक्सिस पे है, और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करो तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस आ जाएगा, और अगर स्पीड टाइम ग्राफ की बात करते हो तो स्पीड इज ऑन द वाई एक्सिस। अच्छा, अब टॉकिंग अबाउट द यूनिट्स, अब डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर में भी हो सकता है, मीटर्स में भी हो सकता है, माइल्स में भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको ग्राफ दिया हुआ होता है, यू जस्ट हैव टू इंटरप्रेट द ग्राफ, ग्राफ को पढ़ के, रीडिंग पढ़ के और आपको आंसर्स देने होते हैं। किस तरह का क्वेश्चन आता है जो कि आसान होता है टिपिकली। और जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें यू हैव टू ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यू हैव टू डू सम कैलकुलेशंस, ज़्यादातर डिस्टेंस आपको निकालना होता है, वो आपको स्पीड देता रहता है और आपको टाइम दे देता है, तो आपको डिस्टेंस निकालना होता है, कभी वो आपको डिस्टेंस और स्पीड देता है तो टाइम निकालना होता है। तो ये वाली कैलकुलेशंस हमने क्लास में देखी थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो उन कैलकुलेशंस के बगैर आप ये ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ में भी आपने देखा था, स्पीड टाइम ग्राफ में वो ज़्यादातर ये करता है कि आपसे एक्सेलरेशन पूछ लेता है, और एक्सेलरेशन के बाद फिर ये आपसे जो है वो ग्राफ में एक स्पेसिफिक टाइम पे स्पीड पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चंस भी हमने क्लास में किए थे, तो वो क्वेश्चंस को लाजमी रिवाइज करना, उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। वर्कशीट जो मैंने दी है उसमें भी हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो फिलहाल तो मैं अभी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व नहीं करा रहा, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ कि ग्राफ की कन्वर्जन, जो थर्ड टाइप है बेसिकली ना, फर्स्ट टाइप में होता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसके क्वेश्चन है, तो सेकेंड टाइप जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ है उसके क्वेश्चन है, और जो थर्ड टाइप होती है ना उसमें कन्वर्जन होती है। कन्वर्जन में ऐसा होता है कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ देगा और बोलेगा कन्वर्ट करो उसको स्पीड टाइम ग्राफ में, या आपको स्पीड टाइम ग्राफ देगा और बोलेगा कन्वर्ट करो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो तीनों तरह के क्वेश्चन जो है ना वो इंशाल्लाह हम क्लास में करेंगे, कुछ क्लासेस में हम कर चुके हैं, कुछ में इंशाल्लाह हम लोग कर लेंगे इस वीक के एंड तक या अगले वीक के शुरू तक इंशाल्लाह। और बाकी है कि वीडियोज तुम्हारे लिए होंगे तो इंशाल्लाह ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। तो डिस्टेंस की मैंने बात कर ली, डिस्टेंस इज इन किलोमीटर्स, मीटर्स, माइल्स, जो भी चीज़ होगी ग्राफ पे लेबल होगा प्रॉपर। सबसे पहले तुम्हें ग्राफ पढ़ना है कि भाई जो ग्राफ गिवन है वो कौन सा ग्राफ है। अगर वो ग्राफ गिवन है तो आप पढ़ के जो है वो उसको आइडेंटिफाई करोगे कि क्या वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चन में मेंशन होता है कि ग्राफ जो है वो स्पीड टाइम है कि डिस्टेंस टाइम है, तो डिस्टेंस किलोमीटर्स में हो गया, मीटर्स में हो गया, माइल्स में हो गया, और टाइम हमारे पास जो है वो आवर्स में भी होता है, मिनट्स में भी होता है, सेकेंड्स में भी होता है,
और कभी कभार जो है ना वो एक्स एक्सिस पे जो है वो क्लॉक होता है, मतलब घड़ी का टाइम चल रहा होता है, जैसे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो इस तरह घड़ी का टाइम भी जो है वो एक्स एक्सिस पे चल रहा होता है। स्पीड की बात करूँ तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है, और उसके बाद जो है वो मीटर पर सेकंड में भी होती है। इसकी कन्वर्जन भी जो है वो हमने क्लास में देखी थी, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी कभी कभार जो है वो पेपर में पूछ ली जाती है, और ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आता है काइनेमेटिक्स ना, तो आपको इसको बगैर कैलकुलेटर के भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो डिफरेंट लाइंस आती हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है? तो इस साइड पे देखो मैंने कुछ ग्राफ्स जो है वो ड्रॉ किए हैं। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे जो है ना आपको बिल्कुल एक्स एक्सिस पे एक लाइन नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरप्रेट ये करोगे कि भाई मेरा जो ऑब्जेक्ट था ना उसने कोई मूवमेंट नहीं करी है, वो रेस्ट पे ही है, वो स्टेशनरी है, उसने मूव नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल इस तरह समझ लो कि भाई आपको जो है वो कहीं जाना है और आपने जाके अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप जो है गाड़ी को रिपेयर करने में लगे हो, या टायर पंचर हुआ है और आप जो है वो टायर का जो है वो फ्लैट हो गया टायर, आप उसको ठीक कर रहे हो, तो फिर मतलब आप डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे, आप वहीं रुके हुए हो, आपकी गाड़ी चल नहीं रही, ठीक है, खराब हो गई है। तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरह की लाइन नजर आएगी। क्यों? इसको आप बोलोगे कि भाई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ही उस स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। और हो भी सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ नजर आ रही हो, क्योंकि जरूरी नहीं है, हो सकता है आपकी गाड़ी कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है वो रुकी है, तो फिर ये लाइन जो है वो इस तरह आपको बनी हुई नजर आएगी, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है कि भाई अगर इस तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आ रही है, तो इसका मतलब है कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा। अच्छा, इससे पहले एक चीज ये देख लेते हैं कि मैंने यहाँ दो चीजें लिखी हैं। मैंने ये बताया कि भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ना आपको सिर्फ एक बात याद रखनी होती है, वो क्या बात है? वो बात यह है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो लाइंस होती है ना उनका ग्रेडियंट हमें स्पीड बताता है, ठीक है? ये आपको अपने जहन में रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, जो लाइंस का डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, जाहिर सी बात है लाइंस होंगी या कर्व्स होंगे, जो भी होंगे, तो उनका जो ग्रेडियंट होगा वो हमें स्पीड देगा। और स्पीड टाइम ग्राफ में आपको दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट थिंग इज द ग्रेडियंट गिव्स द एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ बना हुआ है, आपने देखा कि भाई लेवल हुआ हुआ है स्पीड और टाइम, और उसमें जो है वो लाइंस बनी हुई है डिफरेंट, तो अगर आपको लाइंस का ग्रेडियंट निकालोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगी, और जो एरिया अंडर द कर्व होगा, जो आपका शेप बनेगा उसके नीचे नीचे का जो एरिया होगा वो आपको डिस्टेंस देगा। ये मैं स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो स्पीड टाइम ग्राफ में आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली बात ये कि ग्रेडियंट जो है वो एक्सेलरेशन देगा, एरिया अंडर द कर्व जो है ना वो आपको डिस्टेंस देगा, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि ग्रेडियंट विल गिव अस द स्पीड, ठीक है? ऑब्जेक्ट की स्पीड देगा हमें ग्रेडियंट। अच्छा, अब ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने किया था, y2 - y1 / x2 - x1। दो पॉइंट्स ले लो उस लाइन पे, और जो है फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 कह दो, सेकंड पॉइंट को x2 y2, और ये फॉर्मूला लगा के ग्रेडियंट निकाल लो। तो बस अब इधर आ जाओ जल्दी से, अब इसका भी बिल्कुल यही मतलब है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? जीरो होता है। तो इसका मतलब है कि जब ग्रेडियंट जीरो है, इसका मतलब है स्पीड भी जीरो है, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो लाइन बनती है उसका ग्रेडियंट स्पीड देता है। तो अब ये लाइन बनी हुई है इस तरह, ये लाइन बनी हुई है या ये लाइन बनी हुई है, तो ये लाइन का ग्रेडियंट क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ग्रेडियंट इज जीरो, इसका मतलब स्पीड इज जीरो। तो स्पीड जो है वो जीरो कब होती है? जब आप रुके हुए होते हो, जब आप मूव नहीं कर रहे होते या रेस्ट में होते हो, ठीक है? तो ये तो डिस्टेंस टाइम था। अब अगर स्पीड टाइम ग्राफ में आप वो बोलो कि भाई स्पीड टाइम ग्राफ में अगर मैं मूव नहीं कर रहा तो किस तरह की लाइन आएगी? तो भाई जब मूव नहीं कर रहे तो स्पीड जीरो आएगी, ठीक है? तो स्पीड जीरो आएगी, इसका मतलब है कि बिल्कुल एक्स एक्सिस पे जो है ना वो लाइन एक चल रही होगी, क्योंकि टाइम तो आपका आगे बढ़ रहा है और आपकी कोई स्पीड नहीं है, आप मूव नहीं कर रहे, तो ये लाइन ऐसे आएगी, ठीक है? तो ये चीज आपको जहन में रखनी है, ये कन्वर्जन है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई स्पीड टाइम ग्राफ में मेरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो किस तरह की लाइन आएगी? तो आप बताओगे कि भाई बिल्कुल एक्स एक्सिस पे इस तरह की लाइन आएगी। और मैं अगर बोलूंगा कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, डिस्टेंस टाइम में कैसी आएगी? तो आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपके ऑब्जेक्ट ने बिल्कुल मूव नहीं किया तो वो बिल्कुल जीरो से आएगी, अगर कुछ उसने डिस्टेंस कवर करके रुका है तो वो फिर थोड़ा ऊपर से आएगी, ठीक है? तो ये तो फर्स्ट टाइप हो गई, ये पहली कन्वर्जन हो गई। अच्छा, दूसरी कन्वर्जन पे आ जाओ। दूसरी कन्वर्जन में अगेन दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और अब लाइन जो है ना वो स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है। अब दोबारा आ जाओ उसी कॉन्सेप्ट पे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो लाइन है उसका ग्रेडियंट क्या देता है? इसका ग्रेडियंट देता है स्पीड। अब ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन की ग्रेडियंट क्या होगी? इस लाइन की ग्रेडियंट कांस्टेंट होगी, बिल्कुल सेम होगी, ठीक है? आप कोई भी दो पॉइंट्स कंसिडर कर लो, ग्रेडियंट निकालो, पूरी लाइन की ग्रेडियंट बिल्कुल सेम आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो इसका मतलब है कि भाई इस लाइन का मतलब है कि स्पीड मेरी कांस्टेंट है,
ठीक है, मेरी स्पीड कांस्टेंट है, इसीलिए जो है वो डिस्टेंस टाइम पे जो है वो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये चीज बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना है कि इफ द लाइन इज लाइक दिस ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है हमने याद किया था कि ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है, हमने उस तरह याद किया था। तो बस यहाँ ये बात याद रख लेना कि भाई अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरह की लाइन आपको नजर आती है तो इसका मतलब ये है कि स्पीड कॉन्स्टेंट है, तभी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, और जब स्पीड कॉन्स्टेंट होती है तो आपको पता है उस वक्त एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती है, एक्सेलरेशन जीरो होती है। तो यही बात मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई कांस्टेंट स्पीड है और एक्सेलरेशन जीरो है। अब आप बोलोगे कि सर स्पीड टाइम ग्राफ में ये किस तरह शो होगा, तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो है ना वो इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही होगी, इसका मतलब होगा कि भाई स्पीड कॉन्स्टेंट है, आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो जो भी स्पीड होगी, जैसे 30 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 30 हो जाएगा, तो 30 से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, जब तक कॉन्स्टेंट स्पीड है ये लाइन इसी तरह चलती रहेगी। तो इसी वजह से जो है ना ये दोनों चीजें आपके वो जहन में होनी चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कांस्टेंट स्पीड है तो लाइन ऊपर की तरफ इस तरह जाती है, लेकिन अगर स्पीड टाइम ग्राफ है, अगर कांस्टेंट स्पीड है तो लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ठीक है, और आपको फिर यहाँ वो बात पता है, लाइन हॉरिजॉन्टल है तो ग्रेडियंट जीरो हो गई, और स्पीड टाइम जो है वो उसका ग्रेडियंट क्या बताता है, उसका ग्रेडियंट एक्सेलरेशन बताता है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गई। थर्ड टाइप देखते हैं जल्दी से, ये सेकंड कन्वर्जन हो गई। थर्ड टाइप की कन्वर्जन में क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरह का कर्व बन रहा है, ठीक है, और कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कर्व है, अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो मैं कहता हूँ भाई ग्रेडियंट तो कांस्टेंट है, लेकिन अब कर्व बन रहा है, इसका मतलब है कि भाई यहाँ जो है ना ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है, हर पॉइंट का अलग ग्रेडियंट होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह कर्व आता है और मैं आपको बोलूँ कि भाई इसकी जो है ना वो स्पीड निकालो, तो आप बोलोगे भाई स्पीड किस पॉइंट पे निकालूं, क्योंकि कर्व पे देर आर मेनी पॉइंट, मतलब लाइन पे भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन पूरी अगर लाइन स्ट्रेट है तो इसका मतलब उसका ग्रेडियंट एक ही होगा। आप जो भी दो पॉइंट ले लो लाइन पे, ग्रेडियंट सेम आएगा, लेकिन अगर इस तरह का कर्व है तो इसका मतलब है कि यू हैव टू पिक वन पॉइंट और फिर उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और टेंजेंट ड्रॉ करके ग्रेडियंट निकालोगे। तो अब ये जो कर्व है इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, वो एक्सिलरेट हो रही है, वो बढ़ रही है, कॉन्स्टेंट नहीं है, कॉन्स्टेंट स्पीड नहीं है, आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती भी जा रही है। आपकी स्पीड चूंकि ये कर्व है तो आप कह सकते हो वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट नहीं है, आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती भी जा रही है, इसीलिए देखो कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो एक्सेलरेशन उसी वक्त प्रोड्यूस होती है जब आपकी स्पीड चेंज हो रही होती है। तो आप यहाँ ये कह सकते हो कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरह का कर्व आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि योर स्पीड इज वेरिएबल, मतलब आपकी स्पीड वेरिएबल है और इंक्रीज हो रही है, इसी वजह से आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। इसी वजह से मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्सेलरेटिंग और स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ की बात करूं तो स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड इंक्रीज होने का मतलब है कि आपके पास इस तरह की लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही होगी। चूंकि ये लाइन स्ट्रेट है तो आप ये कह सकते हो कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो स्पीड लेकिन बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, इसीलिए ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। आप देख सकते हो जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है स्पीड ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन आप ये बात कह सकते हो कि अगर ये चूंकि ये लाइन है तो इसका मतलब है लाइन की ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट होती है, तो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है लेकिन आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती रही है। ठीक है, तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट, और ये थर्ड हो गया। फोर्थ में फिर जो है वो इसका वो रिवर्स हो गया स्पीड। अगर आप ये देखो कि भाई अब यहाँ से देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यहाँ से लेकिन यहाँ तक थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन है और फिर स्ट्रेट लाइन के बाद ये कर्व आ रहा है इस तरह, तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट शुरू में कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ जो है वो मूव करता हुआ जा रहा था, लेकिन अब वो स्लो डाउन हो रहा है, अब वो डिसेलरेट हो रहा है, अब वो अपनी स्पीड को रोक रहा है क्योंकि उसको स्टॉप करना है, उसको रुकना है। ठीक है, क्योंकि जब ऐसी लाइन एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगी इसका मतलब है वो रुक गया। तो ये जो कर्व है अगर ये इस तरह तुम्हें डिस्टेंस टाइम पे नजर आया तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्लो डाउन हो रहा है, उसके अंदर डिसेलरेशन आ रही है। ठीक है, शुरू में नहीं आ रही डिसेलरेशन, शुरू में उसकी जाहिर सी बात है वो थोड़ा मूव किया कॉन्स्टेंट स्पीड से, लेकिन कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करने के बाद मतलब ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है कि आगे कोई हर्डल आ गई है या उसकी डेस्टिनेशन आ गई है, तो जिसकी वजह से वो स्लो डाउन हो रहा है, स्लो डाउन होने की वजह से उसकी स्पीड जो है वो अब कम होती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता जीरो हो जाएगी, इसका मतलब है वो रुक जाएगा। ठीक है, और यही चीज अगर मैं स्पीड टाइम में देखूं तो स्पीड टाइम में बिल्कुल इस तरह नीचे की तरफ लाइन आ रही होगी, और वही वाली बात है चूंकि ये लाइन स्ट्रेट है तो इसका मतलब है कि भाई एक्सेलरेशन जो है वो कॉन्स्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्योंकि लाइन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, डिसेलरेट हो रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट रुकने की कोशिश कर रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, और मे बी पॉसिबल वो अपनी मतलब अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच गए तो इस वजह से वो स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये चार बेसिक सिनेरियोज हैं, ये चार टाइप्स हैं जिनको आपको जहन में रखना है जब आप कन्वर्जन कर रहे होगे। जब आप कन्वर्जन कर रहे होगे आपको वो डिस्टेंस टाइम देगा और बोलेगा कन्वर्ट करो स्पीड टाइम में, तो आपको ये चार चीजें जो है वो जहन में रखनी है
अगर आपको ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है डिस्टेंस टाइम में भी और स्पीड टाइम में भी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ठीक है। अगर उसने बिल्कुल कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया तो बिल्कुल जीरो पे लाइन आएगी, अगर उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया तो थोड़ा सा ऊपर आएगी। स्पीड में जाहिर सी बात है स्पीड जो जब मूव नहीं करेगा तो जीरो होगी, तो यहाँ बिल्कुल ओरिजिन के साथ ही एक्स एक्सिस के साथ ही जो है वो आपकी लाइन आएगी। अगर लाइन जो है उसका पॉजिटिव स्लोप है ऊपर की तरफ जा रही है डिस्टेंस टाइम में, इसका मतलब है कि भाई स्पीड कांस्टेंट है और जो है वो एक्सेलरेशन जीरो है। तो स्पीड टाइम की बात करूं स्पीड कांस्टेंट का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूं और मैं बोलूं कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड बढ़ती हुई जा रही है एक्सेलरेट हो रही है और वो तेज से तेज होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, वेरिएबल स्पीड हो जाएगी। तो कर्व आएगा इस तरह और वो कर्व ऊपर की तरफ जा रहा होगा। और स्पीड टाइम की बात करूं और बोलूं कि भाई एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक्सेलरेट का मतलब है कि लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। बेशक एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एक्सेलरेट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो जो है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, वो स्पीड अप हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन स्पीड अप हो रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है कि भाई उसने एक्सेलरेट कर रहा है, उसको रेस दे रहा है, अब जो ऑब्जेक्ट किसी वजह से स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है। अच्छा फिर वो लास्ट सिनेरियो में देख लो, लास्ट सिनेरियो में वो ये कह रहा है कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट शुरू में मूव कर रहा था और उसके बाद जो है वो स्लो डाउन हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है। तो फिर आप देख रहे हो शुरू में स्ट्रेट लाइन है मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो रहा है। स्लो डाउन का मतलब है कि आप वो है उसकी स्पीड जो है वो जीरो हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी आगे और वो रुक जाएगा। और इसी तरह अगर यही सिनेरियो में जो है वो स्पीड टाइम में बनाना चाहूंगा तो मैं लाइन जो है वो नीचे की तरफ बना दूंगा, क्योंकि स्पीड कम हो रही है, डिसेलरेट हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है क्योंकि वो स्लो डाउन हो रहा है। रुकने के लिए जाहिर सी बात है जब आपको रुकना है, आपको स्टॉप करना है, तो आप अपनी रेस से पैर हटाना शुरू करोगे, आप उसकी रेस कम करना शुरू करोगे। तो ये बेसिकली जो है ना वो डिसेलरेशन वाला सिनेरियो है, आप ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू करोगे जिसकी वजह से आपकी स्पीड रुकेगी। तो दैट इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन, ठीक है। थोड़ा सा ये है कि एक चीज मेरे पास और है, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। पहले ये तीन ग्राफ देख लेते हैं। हमने ये चीज डिस्कस की थी कि भाई स्पीड टाइम ग्राफ में, जैसे मैंने यहाँ वाली बात बोली कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ में इस तरह लाइन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि डिसेलरेशन हो रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है, और रीजन ये है कि स्लो डाउन हो रहा है या गाड़ी खराब हो रही है, जो भी हो रहा है, ठीक है, मतलब स्पीड कम हो रही है। लेकिन अगर तुम्हें यही लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दिखती है इस तरह नीचे आने की, तो फिर इसका यहाँ मतलब जो है ना वो ये है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जो है ना वो रिटर्न हो रहा है, वो वापस आ रहा है, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है इसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वो रिटर्न हो रहा है, वो बैकवर्ड्स आ रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पे जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जो है ना वो पोजीशन ग्राफ कहते हैं। वो पोजीशन ग्राफ इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो है ना बेसिकली आपकी पोजीशन बता रहा है कि आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर हो, कितनी डायरेक्शन में जा रहे हो, रुके हुए हो, मूव कर रहे हो, किस स्पीड से मूव कर रहे हो। तो इसी वजह से हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जो है ना वो पोजीशन ग्राफ भी कहते हैं, क्योंकि ये आपकी जर्नी को, आपकी पोजीशन को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये चीज तुम्हें जहन में रखनी है कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ में लाइन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, मतलब उसका नेगेटिव स्लोप है, तो उधर ये बात होगी कि आपका ऑब्जेक्ट डिसेलरेट हो रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है, वो स्लो डाउन हो रहा है। लेकिन अगर बिल्कुल इसी तरह की लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसेलरेट हो रहा है, उसका मतलब यह है कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ रिटर्न कर रहा है और वो कांस्टेंट स्पीड के साथ रिटर्न कर रहा है। इसी वजह से यह स्ट्रेट लाइन है। हमेशा याद रखना जब भी स्ट्रेट लाइन की बात करो ना, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब यही होता है कि आपकी जो ग्रेडियंट है वो कॉन्स्टेंट है। तो अगर इस तरह का ग्राफ डिस्टेंस टाइम में नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि माई ऑब्जेक्ट इज रिटर्निंग बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है। लेकिन अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ और इस तरह का कर्व आपको दिख रहा है, कर्व दिख रहा है जो कि पहले थोड़ा सा नीचे जा रहा है और फिर इस तरह आगे जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि रिटर्निंग बैक हो रहा है, वापस जा रहा है, गोइंग बैकवर्ड्स, और अब जो है ना वो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो स्पीड जो है ना वो वेरिएबल है और वो स्लो डाउन हो रहा है, वो कम स्पीड पे आ रहा है, वो रुक रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। कांस्टेंट नहीं है उसकी स्पीड, मतलब वो स्लो डाउन हो रहा है, इस तरह समझ लो, ठीक है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वो स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है कि वो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है और फिर आने के बाद जो है वो रुक गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह की बात है। और अगर इस तरह जो है वो आपको कर्व जो है वो समझो बाहर की तरफ वो दिख रहा है, ये इसको आप इस तरह कह सकते हो कि ये जो कर्व है ये जो है वो इसको इस तरह कह लो कि ओरिजिन की साइड पे जो है ना वो मोड़ है, और ये वाला जो कर्व है ये ओरिजिन से दूर की तरफ जो है ना ये कर्व हो रहा है। तो इस तरह इसका शेप देख लो, अगर इस तरह का शेप आ रहा है तो इसका भी बिल्कुल वही मतलब है कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न कर रहा है अपनी ओरिजिनल पोजिशन की तरफ, लेकिन अब जो है ना वो स्पीड बढ़ाई हुई है उसने, ठीक है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, और वो एक्सेलरेट करता हुआ जो है ना वो अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस आ रहा है, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड वो है वेरिएबल, क्योंकि
जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो फिर तो आपकी स्पीड वेरिएबल हो जाती है, तो स्पीड जो है वो है वेरिएबल, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वो स्पीड अप है, वो तेज स्पीड में जो है वो वापस की तरफ आ रहा है, मतलब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ रहा है लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा है, वो स्पीड अप है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो कि तुम लोग के साथ शेयर करनी थी। इस लाइन का मतलब है अगर ये डिस्टेंस टाइम में है तो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ जो है वो वापस आ रहा है, अगर इस तरह का कर्व है जो कि ओरिजिन की तरफ मुड़ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब समझ लेना कि भाई वापस तो आ रहा है लेकिन उसकी स्पीड जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हल्की होती जा रही है, कॉन्स्टेंट नहीं है स्पीड। और अगर इस तरह जो है वो बाहर की तरफ जो है वो कर्व है इस तरह आ रहा है, मतलब ये समझ लो कि ऊपर से मतलब प्रोजेक्ट वो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, तो उस तरह आ रहा है तो समझ लेना कि रिटर्न बैक तो हो रहा है, लेकिन अभी ये है कि रिटर्न बैक हो रहा है लेकिन स्पीड अप है, बड़ी तेज स्पीड में जो है वो वापसी की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियोस थे जो कि कन्वर्जन में बहुत हेल्पफुल होते हैं, और ये वाली बात मैंने तुम्हें बता दी। थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेता हूँ, उसके बाद ये वीडियो को वाइंड अप करेंगे। मेरे पास जो है वो ये थोड़े से जो है कुछ इमेजेस हैं इनके साथ, तो ये जो है वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है वो तुम लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर इस तरह की लाइन, जैसे ग्रीन लाइन की बात करूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो ये ग्रीन लाइन का मतलब है कि भाई स्पीड कॉन्स्टेंट है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और ये जो स्पीड है वो ये वाली रेड लाइन से थोड़ी ज्यादा है, इसी वजह से उसने यहाँ लिखा है कि फास्ट स्टेडी स्पीड है। स्टेडी का मतलब है कॉन्स्टेंट स्पीड है, इसीलिए लाइन स्ट्रेट है और ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये स्पीड जो है वो ज्यादा है लेकिन जो है वो कांस्टेंट है। अगर मैं इस रेड लाइन की बात करूं, यहां तक इस रेड लाइन की बात करूं, तो ये भी बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड है लेकिन ये स्पीड जो है वो ग्रीन वाली लाइन से थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो बस अब ये चीज याद रखनी है कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और उसमें स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इसका मतलब है कि स्पीड कॉन्स्टेंट है, और अगर लाइन का ग्रेडियंट ज्यादा है तो इसका मतलब है स्पीड भी ज्यादा है, अगर लाइन का ग्रेडियंट कम है तो इसका मतलब है स्पीड भी कम है। जैसे जैसे लाइन मेरी ऊपर की तरफ जाती रहेगी उसका ग्रेडियंट बढ़ता रहेगा, और जब ग्रेडियंट बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, तो ग्रीन लाइन जो है उसकी स्पीड ज्यादा है, ये जो रेड लाइन यहाँ तक है इसकी स्पीड कम है। ठीक है, अच्छा अब ये रेड लाइन के बाद तुम देख रहे हो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि भाई कौन सा ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स ग्रेडियंट इज जीरो, और ग्रेडियंट कब जीरो होती है, ग्रेडियंट उस वक्त जीरो होती है कि भाई जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और ग्रेडियंट जीरो का मतलब ये कि इसकी स्पीड जीरो है, स्पीड उस वक्त जीरो होगी जब ये रुका हुआ होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ स्टेशनरी लिख दिया। और उसके बाद देखो इस पॉइंट से ये वापस आ रहा है, तो वापस आ रहा है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिसेलरेट हो रहा है, ये डिसेलरेट उस वक्त होता है जब ये स्पीड टाइम ग्राफ होता, अभी ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो वापस आने का मतलब ये है, नीचे की तरफ लाइन आने का मतलब ये है कि स्पीड अभी भी कॉन्स्टेंट है, स्पीड उसकी अभी भी कॉन्स्टेंट है, ऐसा नहीं है कि उसने स्पीड हल्की कर ली है, स्पीड अभी भी उसकी कॉन्स्टेंट है लेकिन वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन की तरफ रिटर्न हो रहा है, तो इसी वजह से जो है वो लाइन जो है वो वापस एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है। अच्छा फिर ये देख लो, ये जो ब्लू लाइन की बात कर रहा है, ब्लू लाइन जो है वो कर्व है और ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि भाई स्पीड बढ़ रही है और स्पीड कांस्टेंट नहीं है तभी ये कर्व बन रहा है, अगर स्पीड कांस्टेंट होती तो स्ट्रेट लाइन आ रही होती, तो स्पीड जो है वो वेरिएबल है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है, वो तेज से तेज होता जा रहा है आगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है गेटिंग फास्टर। अच्छा एक सिनेरियो तुम लोगों को देता हूँ, सिनेरियो ये है कि ग्राफ दैट शोज एन ऑब्जेक्ट, हमें ग्राफ बनाना है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को शो कर रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, स्टार्ट में वो कॉन्स्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, देन स्लोज डाउन, फिर वो थोड़ा थोड़ा रुक रहा है, और देन कम्स टू अ स्टॉप, और वो फिर बिल्कुल एकदम रुक जाता है। और हमें क्या बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उसने बोला है कॉन्स्टेंट स्पीड, तो कॉन्स्टेंट स्पीड का मतलब है मैं स्ट्रेट लाइन बना दूंगा ऊपर की तरफ, उसके बाद उसने कहा स्लोज डाउन, स्लोज डाउन का मतलब है कि डिसेलरेट कर रहा है, रुक रहा है, तो इसका मतलब है फिर मैं इस तरह का कर्व बनाऊंगा, और फिर उसने बोला है कि बिल्कुल स्टॉप हो गया, स्टॉप का मतलब है कि फिर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये मुझे बता रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड, दिस पार्ट इज शोइंग डिसेलरेशन, क्योंकि गाड़ी रुक रही है, मतलब गाड़ी है जो भी ऑब्जेक्ट है वो रुक रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मुझे बता रहा है ग्रेडियंट अब जीरो हो गया है, जब ग्रेडियंट जीरो हो जाता है इसका मतलब है स्पीड जीरो हो गई, स्पीड जीरो हो गई मतलब वो रुक गया है। अच्छा एक एग्जांपल और देख लेते हैं, अब हमें ग्राफ बनाना है, दोबारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और हमारे पास अब जो सिनेरियो वो ये है कि पहले हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, उसके बाद वो डिसेलरेट कर रहा है, और फिर वो रुक जाता है, ठीक है, और देन मूव्स बैक एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। अब ये चार सिनेरियोस उसने बताए, फर्स्ट पार्ट में हमें एक्सेलरेट करवाना है उसको, तो एक्सेलरेट करवाने का मतलब है कि मैं थोड़ा सा कर्व बनाऊंगा यूं करके ऊपर की तरफ, फिर वो कह रहा है डिसेलरेट, तो डिसेलरेट के लिए फिर मैं यूं करके कर्व बनाता हूँ, ये मैंने बना दिया, और उसके बाद रुक गया है वो बिल्कुल, तो रुक गया है इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे बनानी पड़ेगी, और फिर रिटर्निंग बैक, रिटर्निंग बैक है तो इसका मतलब है नीचे की तरफ लाइन आ रही होगी और एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड आ रही है,
इसीलिए मैंने ये स्ट्रेट लाइन बनाई है, और ये स्ट्रेट लाइन आगे जाके एक्स एक्सिस को टच कर लेगी, इसका मतलब है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न हो गया। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जो कि तुम लोग को जहन में रखने हैं जब तुम कन्वर्जन करो। तो कन्वर्जन में याद रखना, जब भी कर्व आ रहा है तो इसका मतलब है कि वेरिएबल है, और कर्व अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब है एक्सेलरेट कर रहा है, और कर्व जो है वो अगर थोड़ा थोड़ा जो है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इसका मतलब है डिसेलरेट हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है रुक गया है। और अगर स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब है कि भाई रिटर्न कर रहा है वापस, लेकिन कॉन्स्टेंट स्पीड में। और अगर स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारे पास नहीं है, कर्व है लेकिन वो नीचे की तरफ आ रहा है डिस्टेंस टाइम में, इसका मतलब है रिटर्निंग बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन बट विद नॉट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, वेरिएबल स्पीड है और वो स्लो डाउन हो रही है। लेकिन अगर इस तरह का कर्व देखते हो तो इसका मतलब समझ लेना कि वो रिटर्न बैक कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा है, वो तेजी से जो है वो वापसी की तरफ आ रहा है। तो दैट वॉज ऑल अबाउट कन्वर्जन, आई होप तुम लोग के लिए हेल्पफुल हो गई इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन। तो जो भी कन्फ्यूजन अगर स्टिल रह गई है तो लाजमी मुझे बता देना, ताकि जो है वो मैं आगे की वीडियोस में जो है उनको एड्रेस कर सकूं। तो विश यू गाइज ऑल द बेस्ट, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून टू मैथ गुरु फॉर सम मोर वीडियोज़।